अच्छा जी, आइए चल के देखते हैं मनी चार्ट कहां तक पहुंचे हैं। आए 10,000 रुपए पे अगला सवाल आपका 25,000 रुपए के लिए होने वाला है। 25,000 रुपए के लिए अब हम चलते हैं कैटेगरी चार्ट की तरफ। कैटेगरी चार्ट में आइए जी, अब आप चूज करें। रिडल ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अब आपके पास बचा है मैथ्स, जर्नल नॉलेज, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम, कल्चर, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। मेरा ख्याल है इंग्लिश। इंग्लिश, अगले दो सवाल इंग्लिश के ही होंगे। इतनी सलीस उर्दू बोलने वाले इंग्लिश चूज कर रहे हैं। सर, सलीस उर्दू वाले ही तो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश आपने चूज कर लिया है, अब आपने चूज करना है बच्चों इंग्लिश किसकी अच्छी है। हाथ खड़ा करे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मशवरा आपको दे रहा हूँ, शेबी को बुला लें। शो यही खत्म हो जाएगा मेरा ख्याल है। शो यही खत्म हो जाएगा जरूर जी। एनी सिलेक्शंस फ्रॉम द किड्स जी? जरगून, जरगून आ जाओ। बहुत अच्छा खेल रहे। अच्छा, लेकिन ये अभी थोड़ी डाउन हिल जाएगी। अच्छा, आपने जरगून को चूज किया है, इसकी स्ट्रेंथ में इंग्लिश नहीं है वैसे बाय द वे, और आपने जरगून को चूज कर लिया। चले, कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है सवाल शायद इजी हो क्योंकि अभी हम लोग 25,000 पे हैं। आए जी, अगर इसका जवाब आपने दुरुस्त दिया तो 25,000 रुपये आपका होगा। सवाल क्या है? द पर्सन हु गिव्स अप टू इजीली इज कॉल्ड मिफ्ता इस्माइल। मेरा मतलब है कौन? सवाल मेरा ख्याल है काफी इजी है। ठीक है जी, हमारी इंडस्ट्री में तो आपको पता है पॉलिटिक्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत इजीली क्विट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो क्विट ही नहीं कर रहे। जी, तो पर्सन हु गिव्स अप टू इजीली इज कॉल्ड क्विटर। क्विटर, आपने कहा क्विटर। अरे वाह, कोई कंसल्ट भी नहीं किया और जवाब दे भी जी दिया। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन है तो। क्या बात है भाईजान, मैं तो हालांकि कह रहा था कि आएगा, आपका नाम आ जाएगा शायद। इस कॉल्ड शेबी, एक सवाल कर लूं जी। इनकी क्या कहते हैं जवाब की वजह पता क्या है? क्या आपने कहा पॉलिटिक्स में कुछ इजीली क्विट कर देते हैं जी, और कुछ क्विट ही नहीं करते। हाँ, और उनको ये हिंट मिल गई है। क्या बता दें? हिंट मिल गई आपसे। उनको हिंट मिल गई। स्मार्टर बॉय, वेरी गुड। हाँ भाई, वैसे वाकई मैंने बता दिया था वाकई। तो जी देखते हैं, क्विटर इज इट ट्रू और नॉट? द पर्सन हु गिव्स अप इजीली इज कॉल्ड अ क्विटर। ट्रू जी, ट्रू। तो वाकई मैंने हेल्प किया है, हालांकि ट्विटर और क्विटर एक ही चीज है। तो अब आप 25,000 पे पहुंच चुके हैं, आपको मुबारक हो। मैं तो कह रहा हूँ 25,000 ले जाएं। क्यों भाई, अभी आगे चले ना। अच्छा जी, 25,000 आप जीत चुके हैं। अब जी मैं एक सवाल करूँ इनसे। जरगून करें, आप छठी क्लास में कैसे पढ़ते थे? अच्छा पढ़ते थे या फिर बुरा या फिर अच्छा पढ़ते थे? उनके उस दौर में मोबाइल नहीं था, गैजेट्स नहीं थे ना। अब ये गैजेट्स आ गए हैं तो सारा टाइम तो बच्चों का उसमें लग जाता है। आधा घंटा पढ़ते हैं, दो घंटे गेम खेलते हैं मोबाइल पे। पबजी ने तो दिमाग खराब कर दिया। हम न्यूज में पढ़ते हैं, इतने बच्चे परेशान है सवाल से। नूर साहब, वैसे तो आपके शो में बड़ा सनसनीखेज एक मैच चल रहा होता है, कभी कोई वाकई खतरनाक इंसिडेंट हुआ शो के अंदर जो आपको याद हो? शो के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, या शो से फौरन बाहर हुआ? शो के बाद ही होता है वो, झगड़ा हो जाता है ना कुछ बाजू का। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ। झगड़ा तो एक नॉर्मल बात है, झगड़ा ना हो तो वो अजीब सा लगता है। आए क्या बात है, वो तो कोई ऐसा कुछ नहीं। शो के बाद हुआ, अब नहीं होता, पहले हुआ करता था। एक पार्टी बड़ी बॉयकॉट करके बैठी हुई है आपके शो का, वो क्या वजह है? अच्छा, वो पिछले चैनल से बायकॉट किए हुए हैं, मिठाइयाँ भिजवाई उनको। मिसाल है, बात ये कि जब आपको आपसे तगड़ा कोई टक्कर आ जाता है तो फिर ये होता है। अभी भी आजकल आप देख रहे हैं उनके क्या मामला थे, किस तरह से। बिल्कुल, मतलब अपना एक आदमी तो लाए हैं वो, लेकिन वो आदमी भी कहीं और से आया है, और वो जिस मकसद के लिए आया है सबको इकट्ठा करने के लिए, वो काम भी नहीं हो पा रहा। नहीं, हम लोग भी बाहर से आदमी लाए थे, वो मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वो देखिए। प्लीज़ प्लीज़, मैम फोन आया हुआ मेरे पास। अच्छा, मैसेंजर पिज्जा ऑर्डर कर। नहीं, मेरा फोन आया लंदन से। अच्छा, लंदन से। जी जी, आपसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे बात कभी भी नहीं करे। मेरी फुप्पू हैं। आपकी फैन है। इसकी फुप्पू हैं, अभी हाल ही में बेवा हुई हैं, चाह रही थी कि आपकी फैन है, शादी करना चाहती है। आखिरी एपिसोड तक मेरा पूरा खानदान मार देगा ये आदमी, देखा। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने कैटेगरी चूज की थी इंग्लिश। योर सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फेमस मॉक heroic poet in English literature? Who is the famous mock heroic poet in English literature?
अरे वाह 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 भाई, तुम्हें इंग्लिश का क्या पता, क्यों तुम बजर बजा रहे हो? मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश कोई बोल भी नहीं सकता। जरा बोल के दिखाओ। मैं वर्ड भूल गया, ये लग रहा है रिकॉर्ड कोई उल्टा बजा रहा है। मुझे 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 ऐसा लगा मिस्टर बीन है शायद ना, वो बोलते नहीं थे, वो बस वो मिस्टर बीन है, ये मिस्टर मिस्टर क्लीन है ये। कुछ माइंड में आ रही है आप? मेरा ख्याल है आप देखिए, आप थोड़े से क्वेश्चंस ना मुश्किल हो रहे हैं, आप जैसे जैसे आप कैटेगरी ऊपर जा रहे हैं। देखिएगा आगे जाके क्या, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पे। वो तो आपको 25 दे रहे थे, आप ही ने कहा 25,000। आप चाहते हैं हम भी आपकी तरह गरीब रहें, थोड़ी मेहनत करने दे हमें। मेरे मुंह पे क्या लिखा है कि आटा दे दो? नहीं, ज़कात और सदका दे दो। तो तुम्हारा गुल्लक जैसा मुंह है, किसी दिन भी तोड़ दूंगा। रहने दो, गरीब आदमी, मेरे खानदान को जानते हो ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, खाते पीते घराने के। ले भाई फिर तुम पार्टी है। अच्छा भाई कुछ याद आ रहा है? मुझे लग रहा है कि आप दोनों बूटी चला रहे हैं, बूटी या मोबाइल फोन से भी ऑन किया हुआ? मोबाइल फोन तो देखिए, मोबाइल तो हम लोगों का हर वक्त इसलिए ऑन रहता है कि इसमें हम लोगों की पीसीआर से कन्वर्सेशन भी हो रही होती है समटाइम। अच्छा, साथ साथ आ रहा है, इनको न्यूज आ रही होती है, हो रही होती है। अभी बीपर चल रहा होगा, छठी के बच्चे के अंदर सवाल फंस गया, ऐसा सवाल फंस गया जी, सवाल फंस गया। सवाल नु काट लवांगे, तुसी फिकर ना करो। हाय ये बात है, आजकल तो वो चल रही है ना, क्या छोड़े फिर बात करेंगे, चलें फिर बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि छठी के बच्चों के ऊपर भी पॉलिटिक्स का इल्जाम है। अच्छा जी, तो आपका सवाल आपके सामने। अच्छा, हम इसमें लाइफलाइन यूज कर सकते हैं? जी, बेशक बेशक। ताका झाकी पहली लाइफलाइन है, ताका झाकी, या आप छाप तो भी यूज कर सकते हैं, या आप बचत भी यूज कर सकते हैं। अभी आई थिंक ये ताका झाकी के लिए टाइप कर रहे हैं, जब कर लेंगे तो फिर इंसान। नहीं, उसने कर लिया है टाइप, वो सिर्फ आपको अब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा जी जी, बजर उसने बजा दिया हुआ। ओके, क्या ख्याल है फिर आपका? झांक लूं मैं फिर? जी, ताका झाकी इस्तेमाल हो गए। ये ओह माय गॉड। चलो जी, इसका जवाब है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप, पॉप, अलेक्जेंडर पॉप इज द आंसर जो इन्होंने दिया। बजर दबाएंगी तो मैं लॉक करूंगा। जी, Alexander Pope, is it true or not? Who is the famous? Okay, it is true, sir. 25 आपके, 25 मेरे। नूर साहब, नूर साहब 50,000 जीत गए हैं। ये तो अक्सर, अगर मैं आपको 50,000 अभी दूंगा फिर आपको कहेंगे लिफाफा जर्नलिस्ट है, हैं? आपको लिफाफे में 50,000 रुपया डाल के दे रहा हूँ, लेंगे आप? नहीं, हम लिफाफे नहीं है। तो बात शुरू भी नहीं होती उन्होंने कहा 50,000 से शुरू ही नहीं होती। वैसे नूर साहब, अक्सर शोज पे ये ब्लेम किया जाता है, जर्नलिस्ट को भी और एंकर्स को भी बड़ा ये ब्लेम किया जाता है कि बड़े जी जिस चैनल में जो नैरेटिव होता है उसी को फॉलो करते हैं, तो आपका अपना नैरेटिव यही है? मुझे कभी कोई रोका जो रोकी इस तरह की कभी कोई चीज़ हुई नहीं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, पूरी लिबर्टी के साथ करता हूँ। चैनल पॉलिसी ज़ाहिर है वो मैटर ज़रूर करती है, आप लार्जर देन लाइफ तो होता नहीं है कोई। हाँ। लेकिन कभी इतना परेशानी नहीं हुई कि जिसमें आपको शो करने में मुश्किल हो। वो जो सारे शोज़ जिनका आप तस्करा भी फरमा रहे थे वो उन्हीं सारी हदूद और क़ुयूद के दरमियान रहते हुए किए गए। अच्छा, उसके बावजूद भी मेहमान नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सारे शाह को भी हदूद में रह के करना पड़ता है। हम लोगों को कभी इन्होंने नहीं कोई ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी दी या फिर ये बोला कि नहीं नहीं आपने ये नहीं करना। हम लोगों को फ्रीडम है, छूट होती है, बिल्कुल होती है कि आप जो सवाल करना चाहें आप करें। आए, जो सवाल करना चाहें ख्वातीनों सर, अब देखते हैं हम इनसे क्या सवाल करने वाले हैं। जरगून, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ये जरगून सपोर्ट कर रहा है आपको, हैं? लग रहा है तू इनकी पार्टी का बंदा है जो तू सपोर्ट कर रहा है। एक मिनट में खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।